हेलो एवरीवन, तो अभी हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम सीलेंटरेटा। और जैसे कि हम देखते हैं नाम से ही पता है, पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। तो एक ही स्पीशीज़ के अंदर जब डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलती हैं उसके मेंबर्स की, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या क्या टाइप्स हैं, किस तरह से वेरिएशंस होते हैं, ये इसको हम एंड उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी थ्योरीज क्या हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम में भी आपको इनिशियली दिख रहा है कि पॉलिप एंड मेडुसा दो फॉर्म्स आपको दिख रही हैं, और बाकी भी हम जो फॉर्म्स देखेंगे वो इन्हीं का मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फी मीन्स फॉर्म। अकरेंस ऑफ मोर देन one type of structurally and functionally different individual within a population is called polymorphism। मतलब एक ही population के अंदर अगर अलग अलग तरह के जो कि individual exist करते हैं, जिनका structure different है, functional जो है वो different है, तो उसको हम बोल देते हैं polymorphism। जैसे कि अभी आप देखोगे कि जो सीलेंटरेटा के अंदर जो हाइड्रोजोआ क्लास है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे जो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को इंडिविजुअल मिलते हैं, और उन इंडिविजुअल्स को हम जोआइड्स बोलते हैं, जो कि हम देखेंगे गैस्ट्रोजोइड, डैक्टोलोजोइड्स, ये सारे गोनोजोइड्स, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो जो सीलेंटरेटा होते हैं उनके अंदर बेसिकली दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, या आप कह दो बेसिक जोइड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। हैव टू बेसिक जोइड्स, पॉलिप एंड मेडुसा। बाकी जो जोइड्स देखने को मिलेंगे वो इन्हीं जो पॉलिप एंड मेडुसा, ये जो टू जोइड्स हैं, इनके मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपने पॉलिप देख रखा है। पॉलिप जो है, ठीक है, एक स्टॉक लाइक है, लंबा सा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जबकि ये देखिए मेडुसा जो है वो एम्ब्रेला लाइक जो है वो आपको दिख रहा है। सो पॉलिप क्या है? पॉलिप की जो बॉडी है वो ट्यूबुलर है, भी हमने देखा, ट्यूब लाइक है, इलोंगेटेड है, एंड विच इज सराउंडेड बाय टेंटिकल एट वन एंड, जिसके एक एंड पे जो है वो क्या है, टेंटिकल प्रेजेंट होता है, और दूसरे एंड पर वो जो सबस्ट्रेटम से, जो फ्लोर से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ पीडल डिस्क। और पॉलिप्स जो होते हैं इनका जो काम है वो फूड जो है कैप्चर करने के लिए, फीडिंग से है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी हम देखेंगे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा कि जो पॉलिप्स हैं उनकी बॉडी ट्यूबुलर लाइक है, एक एंड पे इनको ऊपर जो है माउथ प्रेजेंट है, देखिए फीडिंग होगी यहाँ से, ठीक है, टेंटिकल्स जो है वो हेल्प करेंगे फूड को कैप्चर करने में, एंड नीचे की तरफ ये जो है यहाँ पे बेस में अटैच रहता है, ठीक है, सबस्ट्रेटम से विद द हेल्प ऑफ पीडल डिस्क। फिर मेडुसा को अभी हमने देखा, अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी है या बाउल शेप्ड बॉडी होती है, और इस पे जो टेंटिकल्स होते हैं वो पूरे मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इसके ऊपर, जैसे अभी हमने पॉलिप में देखा था उसकी तरह नहीं, कि मार्जिनल टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो माउथ होता है वो सेंट्रली बीच में लोकेटेड होता है इन अ प्रोजेक्शन, जिसको हम कहते हैं मैनुब्रियम, जो कि अभी हम जब ऑरेलिया और ओबेलिया का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैनुब्रियम, माउथ, टेंटिकल, वेलम, सारा कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेडुसे होते हैं वो मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंसर्न है, जबकि पॉलिप में पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंसर्न होते हैं। तो ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए टेंटिकल्स इनके इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि यहाँ पे टेंटिकल्स माउथ के सराउंड करते हुए प्रेजेंट है। दिस इज माउथ, ठीक है, और ये जो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जिसपे ऊपर माउथ होता है उसे हम मैनुब्रियम बोलते हैं, ठीक है, दिस इज मैनुब्रियम, और उसकी जो ओपनिंग होती है दिस इज माउथ। इसके लिए आप ओबेलिया ऑरेलिया डायग्राम देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात अभी यही है कि ये जो है ट्यूबुलर लाइक बॉडी है, ये अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी है। दिस इज पॉलिप इज कंसर्न विद दैट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीडिंग, प्रोटेक्शन, जबकि जो मेडुसा है वो मोटाइल है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो रोल प्ले करता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म का रोल क्या है, तो अभी हम सिंपल देख रहे हैं कि पॉलिप कुछ काम कर रहा है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, मीन्स एक डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो देखने को मिलता है। काम जो है वो बढ़ गया है पॉलिप और मेडुसा में, तो इस इज एसेंशियल फॉर द डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग द इंडिविजुअल। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो दे दिए गए हैं डिफरेंट फॉर्म्स को, जैसे कि पॉलिप जो है वो फीडिंग का काम करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करेंगे, जबकि मेडुसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो दिस इज अ डिवीजन, क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब आता है क्या क्या पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्या पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले आप ये भी देख सकते हो, कहीं कहीं बुक्स में पहले हम ज़ोइड्स के टाइप पढ़ा देते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ज़ोइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो चाहे वो देख लीजिए, चाहे तो पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देख लीजिए, कितने तरह से जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो ये डाइमॉर्फिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। डाइमॉर्फिक फॉर्म मीन्स दो जो है वो ज़ोइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ज़ोइड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट और कॉमन टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है डाइमॉर्फिक, ठीक है, डाइमॉर्फिक टाइप का जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो सबसे सिंपलेस्ट एंड कॉमन टाइप का है। इसमें दो तरह के डाई मीन्स टू टाइप ऑफ ज़ोइड्स मिलेंगे, एक होगा गैस्ट्रोज़ोइड्स और एक होंगे गोनोज़ोइड्स। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है हमें गैस्ट्रोज़ोइड और गोनोज़ोइड्स का फंक्शन जो है वो पता होना चाहिए, जो कि अभी हम आगे देख लेंगे। जैसे कि गैस्ट्रोज़ोइड अभी आप देखोगे फीडिंग में हेल्प करेगा एंड गोनोज़ोइड जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे दो तरह के ज़ोइड्स प्रेजेंट है लाइक गैस्ट्रोज़ोइड्स एंड गोनोज़ोइड्स, तो उन इंडिविजुअल्स में क्या एग्जिबिट करेंगे, डाइमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी हम आगे ज़ोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइक गैस्ट्रोज़ोइड्स जो होते हैं उन्हें फीडिंग ज़ोइड्स कहते हैं, ठीक है, और गोनोज़ोइड्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स होते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल मेडुसा को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पॉलिप से जब मेडुसा प्रोड्यूस होगा तो किससे प्रोड्यूस होता है, गोनोज़ोइड से। तो गोनोज़ोइड क्या है, ऐसे रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स जो पॉलिप में प्रेजेंट है और जो है मेडुसा को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हो गया डाइमॉर्फिक, यानी कि अगर दो टाइप के मीन्स गैस्ट्रोज़ोइड एंड गोनोज़ोइड प्रेजेंट है तो डाइमॉर्फिक। अब नेक्स्ट आ जाता है ट्राइमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिज्म। जब शो होगा किसी इंडिविजुअल में तब तीन तरह के ज़ोइड्स होंगे, गैस्ट्रोज़ोइड का फंक्शन में पता है, ठीक है, फीडिंग में, गोनोज़ोइड्स जो है वो सेक्शुअल मेडुसा प्रोड्यूस करेंगे एंड डैक्टाइलोज़ोइड्स। डैक्टाइलोज़ोइड्स का काम क्या होगा, ये डिफेंस का काम करते हैं। तो अगर ये तीनों ज़ोइड्स प्रेजेंट हैं तो ट्राइमॉर्फिक। अब इनसे भी ज़्यादा टाइप्स प्रेजेंट हैं अगर ज़ोइड्स के, तो वो हो जाएगा पॉलीमॉर्फिक टाइप, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिक में क्या होगा कि ये तो प्रेजेंट होंगे ही, ठीक है, गैस्ट्रोज़ोइड्स, गोनोज़ोइड्स एंड डैक्टाइलोज़ोइड्स। इसके अलावा कुछ और ज़ोइड्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए, पॉलीमॉर्फिक में गैस्ट्रोज़ोइड जो कि फीडिंग का काम करेगा, ठीक है, गोनोज़ोइड आप जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, मींस मेडुसा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और डैक्टाइलोज़ोइड्स हमने देखा था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसमें टेंटिकुलोज़ोइड्स भी प्रेजेंट होंगे। टेंटिकुलोज़ोइड्स क्या करेंगे, टेंटिकल है ना, वहाँ से नाम आप कर सकते हो, सेंसरी फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सेंस करने के लिए, सिग्नल्स को सेंस करने के लिए सेंसरी फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो होते हैं टेंटिकुलोज़ोइड्स। सॉरी, ये थोड़ा सा बार बार अपने आप ही हो जा रहा है, ठीक है, टेंटिकुलोज़ोइड्स। फिर होते हैं स्केलेटोज़ोइड्स। स्केलेटोज़ोइड्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्जी प्रोटेक्शन, ठीक है, स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन होंगी, यानी कि थोड़ा सा इसकी बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। अब यही चीज है जो डिफरेंट डिफरेंट ज़ोइड्स हैं उनके फिर से अलग से इन्होंने फंक्शन एक बार बता दिए हैं। जैसे कि जो पॉलिप होता है, ठीक है। पॉलिप में पॉलिप का अगर मॉडिफिकेशन करें तो कौन से जॉइड्स देखने को मिलते हैं? गैस्ट्रोजॉइड इज मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप, डैक्टाइलोजॉइड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप एंड गोनोजॉइड्स आर ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप। फंक्शन आपको पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। गैस्ट्रोजॉइड्स को हम फीडिंग जॉइड्स भी कहते हैं। इनमें क्या होगा? माउथ प्रेजेंट होगा और माउथ को सराउंड करते हुए टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एक काम कर सकते हैं, आप डायग्राम गूगल कर लीजिए या आपकी जो सिंपल कोटपाल की बुक है उसके अंदर भी आप इसको देख सकते हो। डायग्राम्स एकदम क्लियर दिख जाएंगे। बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू आई कैन प्लेस डायग्राम्स विच हैव फाउंड। Dactylozoids which are used for defense and polyps without mouth and with a long basal tentacle। ठीक है, इनमें माउथ्स नहीं है और इनमें बेसल टेंटिकल्स बहुत लंबे लंबे होते हैं। गोनोजॉइड्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव जॉइड्स हैं जो कि पॉलिप से डराइव हुए हैं और ये सेक्सुअल मेडुसा या गोनोफोर को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद ये तो पॉलिप के मॉडिफिकेशन थे। अब हम मेडुसा के मॉडिफिकेशन देख लें तो क्या है? एक पहला है नेक्टोफोर या जिसे कहते हैं नेक्टोकैलिक्स या स्विमिंग बेल इज मेडुसा मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेडुसा का जो मॉडिफिकेशन होता है पहला है नेक्टोफोर। नेक्टोफोर किसके लिए है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा होता है निमोटोफोर या फ्लोट। ये क्या है? एक ब्लैडर की तरह होता है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी गैसेस जो है वो फिल्ड होती हैं। तो गैसेस जब फिल्ड हैं तो ये पूरी की पूरी कॉलोनी को वाटर के ऊपर फ्लोट करने में, तैरने में मदद करता है, ये डूबती नहीं है। तो ये हो गया निमेटोफोर या फ्लोट। तीसरा होता है फिल्लोजॉइड्स। इट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसा। फिल्लो लीफ लाइक ब्रैक्ट और इसमें क्या होते हैं? निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं और ये इस कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फिल्लोजॉइड्स। ठीक है, अदर जो ऑर्गन इनके जो मेंबर्स हैं फिल्लो लीफ की तरह होते हैं और कवर कर लेते हैं। इसके बाद गोनोफोर होते हैं। गोनोफोर में क्या होता है? गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये जो होती हैं वो जर्म सेल को प्रोड्यूस करती है फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक, सो दिस वाज मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप्स एंड मेडुसा। तो पॉलिप के मॉडिफिकेशन में देखा गैस्ट्रोजॉइड, डैक्टाइलोजॉइड्स एंड गोनोजॉइड, एंड मेडुसा के जो मॉडिफिकेशंस हैं वो नेक्टोफोर, डिमेटोफोर, फिलोजॉइड्स एंड गोनोफोर, और इनके फंक्शंस एक बार देख लीजिएगा। अब जो है वो ये पॉलीमॉर्फिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो है वो दी गई हैं। तो जनरली जब हम बात करते हैं तो तीन थ्योरीज एक्सप्लेन कर देते हैं, पॉलीऑर्गन थ्योरी, पॉलीपर्सन थ्योरी एंड मेडुसाइट थ्योरी, बट इतना कंप्लीट नहीं होता। तो इसको हम स्टार्टिंग से जो है वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें है क्या कि कुछ जो व्यूज हैं, दो व्यूज दिए गए। एक व्यू में ये कहा गया कि जो पॉलिप्स थे वो जो है वो एंसेस्ट्रल थे, ठीक है, वो प्रिमिटिव फॉर्म है, जबकि दूसरे में ये कहा गया कि जो मेडुसा हैं, ठीक है, वो जो है वो प्रिमिटिव फॉर्म है और मेडुसा से ही जो है वो एंसेस्ट्रल फॉर्म है। तो ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो हम जानते हैं कि जो सिफनोफोरा है उसके अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो पहला दो व्यूज दिए गए, तो पहले वाले व्यूज में ये कहा गया कि जो कि हैकल ने भी सपोर्ट किया कि जो एंसेस्ट्रल थे, ठीक है, सीलेंट्रेटा हैं वो हाइड्रा लाइक पॉलिप हैं, ठीक है, हाइड्रा की तरह जो पॉलिप्स हैं, पॉलिप्स जो हैं वो ही एंसेस्ट्रल सीलेंट्रेटा है, शुरू के प्रिमिटिव सीलेंट्रेटा है, जैसे कि आर्क हाइड्रा ऑफ हैकल। और ये कहाँ से आए हैं? ये जो पॉलिप्स हैं वो गैस्ट्रिया जो है उससे ये अराइज हुए हैं। तो हुआ क्या, इनके कहने का मतलब है कि सबसे पहले हाइड्रा लाइक पॉलिप्स आए, उनके अंदर क्या हुआ, फिर बहुत सारी एसेक्सुअल बडिंग हुई, ठीक है, इनके अंदर क्या हुआ, बडिंग हुई, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इन्होंने क्या कर ली कि पूरी की पूरी कॉलोनी बना ली, ठीक है, और इन्हीं कॉलोनी में से एसेक्सुअल बडिंग हुई, इन्होंने कॉलोनी बना ली और इन्हीं कॉलोनी में से जो कुछ मेंबर्स थे, यानी कि कुछ जो पॉलिप थे वो मॉडिफाई हो गए, किसमें, मेडुसा में, ठीक है, और मेडुसा ने आगे जाकर के क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया एंड फॉर पेलाजिक लाइफ। और फिर बाद में क्या हो गया, देखिए अब यहाँ पे मेडुसा बन गया है, ठीक है, पॉलिप पहले से प्रेजेंट है, तो मीन्स फिर एक धीरे धीरे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ और ये जो कॉलोनी है वो पॉलीमॉर्फिक बन गई, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म आ गया। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग पहले क्या आए थे, पॉलिप्स आए, पॉलिप्स में एसेक्सुअल बडिंग हुई और फिर उससे क्या हुआ, पूरी कॉलोनी बनी और उस कॉलोनी में से कुछ पॉलिप मेडुसा बन गए जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, डिवीजन ऑफ लेबर होता गया, काम बढ़ता गया और पॉलीमॉर्फिज्म अराइज हो गया। अब इसके बाद जो है वो आता है सेकेंड व्यू। सेकेंड व्यू में क्या कहा गया कि जो मेडुसा है इसमें तो हमने पॉलिप को बोल दिया कि पॉलिप जो है वो इनिशियली आए थे। दूसरा जो है दिस इज कि ब्रूक्स, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ब्रूक्स ने बोला कि जो एंसेस्ट्रल जो एंसेस्टर जो सीलेंट्रेटा हैं वो क्या है, प्रिमिटिव मेडुसा थे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। मेडुसे जो थे वो पहले आए और ये कहाँ से अराइज हुए, ये अराइज हुए हैं मेटागैस्ट्रिया से। तो उन जो पॉलिप थे वो गैस्ट्रिया से हुए थे, इन्होंने कहा कि जो मेडुसे पहले आए और मेडुसे जो थे वो कहाँ से अराइज हुए, मेटागैस्ट्रिया से। फिर बाद में इनमें क्या हुआ, ठीक है, जब ये मेडुसी डेवलप हुए फिर बाद में मेडुसे के अंदर जो है वो टेंटिकल्स डेवलप हो गए, ठीक है, वो फ्री स्विमिंग हो गए। एंड अकॉर्डिंग टू हक्सले, ठीक है, हक्सले हैं और ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम देख लीजिएगा, एश कॉल्स्ट एंड इनका नाम आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, मैट एससीएचनिकॉफ। ये जो है इनके अकॉर्डिंग इस क्या हुआ कि जैसे मेडुसा बन चुका था, मेडुसा के अंदर टेंटिकल डेवलप हो गया, ठीक है, और अम्ब्रेला लाइक बॉडी जो है वो डेवलप हो गई। तो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे, टेंटिकल्स थे, ठीक है, मेडुसा के, वो मल्टीप्लाई हुए, ठीक है, और शिफ्ट हो गए अपनी पोजीशन से अलग अलग पोजीशंस पे और उन्होंने ज्वाइट्स बना लिए, ज्वाइट्स ऑफ अ पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइट्स हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि पहले क्या हुए थे, मेडुसा आए, मेडुसा कहाँ से आए, मेटागैस्ट्रिया से, और उसके अंदर फिर टेंटिकल्स आए, अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी बनी और ये सारे जो पार्ट्स थे इसके वो मॉडिफाई हो गए और उसने क्या बना लिए, जो पूरी कॉलोनी थी वो बना ली, ठीक है, और कॉलोनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ज़ोइड्स देखने को मिल गए। और इनके अकॉर्डिंग जो पॉलिप्स है वो एक्चुअली क्या है, लार्वल स्टेज है, ठीक है, पॉलिप ये इंडिविजुअल नहीं मान रहे, ये मान रहे हैं कि जो पॉलिप है वो सिर्फ एक लार्वल स्टेज है और जो पूरा इवॉल्व्ड फॉर्म है वो क्या है, मेडुसा है। इनके अकॉर्डिंग मेडुसा जो है वो पूरी तरह से इवॉल्व्ड फॉर्म है और पॉलिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, लार्वल स्टेज है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो पहला व्यू है उसमें बोला कि पॉलिप से आए और दूसरा वाला जो व्यू है उसमें बोला गया कि मेडुसा जो है वो इवॉल्व्ड फॉर्म है, मेडुसा से ही पॉलीमॉर्फिज्म डेवलप हुआ है और जो पॉलिप है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ लार्वल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो आता है वो जो व्यू दिया है वो है मॉशर, मॉशर करके हैं। तो उन्होंने यहाँ पे दो थ्योरी दी गई हैं, एक है पॉली ऑर्गन और एक है पॉली पर्सन। इसमें क्या है कि पॉली ऑर्गन मतलब बहुत सारे ऑर्गन। इनके कहने का मतलब था कि ये जो सीलेंट्रेटा की या निडेरिया की एक पूरी कॉलोनी है, इसके अंदर जो मेंबर्स है ना वो जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं एक कॉलोनी की, मतलब वो एक इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, उनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक ऑर्गन है पूरी की पूरी कॉलोनी की। जैसे कि एक इंडिविजुअल एक ऑर्गन है, दूसरा इंडिविजुअल दूसरी ऑर्गन है और ये सारे ऑर्गन मिलकर के एक कॉलोनी बना रहे हैं। जबकि पॉलीपर्सन जो थ्योरी है वो ये कहती है कि हर एक जो मेंबर है इस कॉलोनी का वो एक पूरा इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग, मॉशर के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो डिफरेंट डिफरेंट हम ज्वाइट्स देख रहे हैं, गैस्ट्रोजॉइड, डैक्टाइलोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स, जो सिफनोफोरा के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑर्गन्स हैं और उनमें पूरी तरह से क्या नहीं हो पाया है, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसको कहेंगे पॉली ऑर्गन। कि जो डिफरेंट जोइड्स हमें देखना है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, पार्ट हैं एक पूरी की पूरी कॉलोनी की, ठीक है, उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाया। जबकि पॉली पर्सन अगर हम थ्योरी में कहें तो इनका कहने का मतलब था कि यहाँ पे हमने कहा कि पूरी तरह से डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हर एक इंडिविजुअल है उसका पूरी तरह से डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, ठीक है, और पूरी तरह से वो अलग अलग इंडिविजुअल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात है। और उनके कहने का मतलब ये था कि जो पॉली ऑर्गन है यही आगे जाकर डिफ्रेंशिएट होते हैं और पॉली पर्सन बना लेते हैं। आई होप आपको ये जो है वो समझ में आया होगा। सो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसको। सो पॉलीमॉर्फिज्म हमने देखा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फो मीन्स फॉर्म। तो एक से ज़्यादा जब फॉर्म्स, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फॉर्म्स देखने को मिलती हैं विद इन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, तो उसको हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एंड पॉलिप एंड मेडुसा बेसिक टू फॉर्म्स हैं। पॉलिप जो है वो ट्यूबुलर बॉइड है, फॉर्म है, माउथ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मेडुसा एंड पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंसर्न है, जबकि मेडुसा जो होता है वो अम्ब्रेला लाइक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंसर्न है। इम्पॉर्टेंस ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर है। पैटर्न की बात करें तो डाईमॉर्फिक, ट्राईमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक होता है। डाई में गैस्ट्रोजॉइड एंड गोनोजॉइड्स हैं, ट्राईमॉर्फिक में गैस्ट्रो, गोनो एंड डैक्टाइलोजॉइड्स हैं। डैक्टाइलोजॉइड्स किसका फंक्शन करते हैं? डिफेंस का। एंड पॉलीमॉर्फिक के अंदर जो हम देखते हैं वो स्केलेटोजॉइड्स एंड टेंटिकुलोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर मॉडिफिकेशंस में क्या है ये याद रखिएगा। पॉलिप के 3 मॉडिफिकेशन है, गैस्ट्रो, डैक्टाइलो, गोनो। और मेडुसे के जो मॉडिफिकेशन है वो नेक्टोफोर, न्यूमेटोफोर, फिलोजोइट्स एंड गोनोफोर। इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं। तो अर्ली व्यू जो है वो कहता है कि पॉलिप पहले आए। लेटर व्यू जो है उसमें बोला गया कि मेडुसी जो है वो आए हैं। और फिर बाद में जो पॉली ऑर्गन एंड पॉली पर्सन थ्योरी दी गई। पॉली ऑर्गन में मीन्स एक कोई कॉलोनी है पूरी सीलेंट्रेटा की, उसके अंदर जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, एक ऑर्गन है, एक पार्ट है पूरी कॉलोनी का, अलग अलग पार्ट्स हैं। जबकि पॉली पर्सन ये कहती है कि जो अलग अलग ये जो पूरी कॉलोनी है उसके जो पार्ट्स हैं वो एक्चुअली पार्ट्स नहीं है, वो पूरी तरह से डेवलप्ड डिफ्रेंशिएटेड इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट the polymorphism in Coelenterata nidaria। I hope आपको ये लेसन समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। and if any doubt arise then you can ask me in comment section। Thanks for watching, have a nice day।